हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक स्टडी जोन। दोस्तों, अगर आप एक पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के स्टूडेंट हैं और अगर आप एक आज अपना काउंसलिंग करवाने वाले हैं तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में बताई गई चीज़ें आपके काउंसलिंग के रिलेटेड हैं और जो आपके बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। दोस्तों, जैसा कि आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं, बताया गया है कि पॉलिटेक्निक शहर में दो संस्थानों में बनी हेल्प डेस्क। दोस्तों, ये हेल्प डेस्क क्या होती है और कौन कौन से स्थानों पर बनी है, आप कैसे उसकी मदद ले सकते हैं, कैसे आपको उसका लाभ होगा, हम पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो आप जो है वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, जो न्यूज़ है लखनऊ के वरिष्ठ संवाददाता के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया है। और दोस्तों, इसमें बताया गया है कि राजधानी समेत प्रदेश के पॉलिटेक्निक संस्थानों में दाखिले के लिए काउंसलिंग बुधवार से शुरू होगी। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आज बुधवार है, आज से जो है काउंसलिंग पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम स्टूडेंट की आज से शुरू हो चुकी है एंड आज से अपना काउंसलिंग करा सकते हैं। और दोस्तों, इसके बताया गया है कि इस बार काउंसलिंग की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है, काउंसलिंग ऑनलाइन होगी। वहीं राजधानी में अभ्यर्थियों को मदद के लिए दो राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में हेल्प डेस्क बनाई गई हैं। यानी दोस्तों, यानी काउंसलिंग संबंधी अगर आपको कोई दिक्कत सामने आती है, यानी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है, तो आपके राजधानी समेत सभी जो ज़िले हैं, जैसे मान लीजिए आप अगर सोनभद्र ज़िले से बिलोंग करते हैं, तो जो सोनभद्र ज़िले में जो कॉलेज हैं, वह वहाँ पर आपके हेल्प के लिए हेल्प डेस्क बनाई गई है। अब दोस्तों, आप उससे कैसे लाभ लेंगे, आगे बताया गया है। देखिए, अभ्यर्थी राजकीय पॉलिटेक्निक और राजकीय महिला पॉलिटेक्निक में संपर्क कर सकते हैं। प्रथम तीन चरण की काउंसलिंग बुधवार से प्रारंभ हो रही है। इस चरण में प्रदेश के केवल उन्हीं छात्रों को आमंत्रित किया गया है जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा में अर्ह हुए हैं। दोस्तों, काउंसलिंग में केवल वही छात्र एलिजिबल हैं जिनके रिजल्ट पे क्वालिफाइड लिखा था, जैसा कि हमने इस पर एक वीडियो भी बनाया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। छात्र काउंसलिंग प्रक्रिया की सारी जानकारी वेबसाइट www.jeecup.nic.in से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए 2.23 लाख अभ्यर्थी काउंसलिंग में भाग लेंगे। जी हाँ दोस्तों, यानी अगर आपको काउंसलिंग संबंधी कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप जो है इस वेबसाइट पे, इस गूगल पर अगर आप इस वेबसाइट का नाम लिखेंगे, तो आप इस वेबसाइट पे आप जाके पूरी जानकारी ले सकते हैं काउंसलिंग संबंधी। और दोस्तों, आपको बता दें कि इस काउंसलिंग में पूरे 2.23 लाख छात्र जो है इस बार काउंसलिंग कराएंगे, यानी कि फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग के लिए 2.23 लाख स्टूडेंट जो हैं एलिजिबल हैं, यानी पूरे आपके कंपटीशन जो है 2.23 लाख बच्चों के साथ होने वाला है। और दोस्तों, इसका बताया गया कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद के सचिव एसके वैस ने बताया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए प्रदेश के सभी 75 जिलों में हेल्प डेस्क बनी है। छात्रों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अन्य जिलों में जाने की आवश्यकता नहीं है, वे हेल्प डेस्क पर संपर्क करके अपना काम करा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जैसा कि अगर आपको अपना एडमिशन कराना है, अगर आपका अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, तो मान लीजिए आप सोनभद्र रहने वाले हैं और आपको जो कॉलेज है मिर्ज़ापुर मिला, तो आप जो है अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काम जो है वह अपने सोनभद्र ज़िले में जो कॉलेज है उसी कॉलेज में आप करा सकते हैं। उसके यहाँ पूरे 75 जिलों में, यानी सभी जिलों में इस तरह की सुविधा बनाई गई बताई गई है। अभ्यर्थी राजकीय पॉलिटेक्निक और राजकीय महिला पॉलिटेक्निक में संपर्क कर सकते हैं। इसका मतलब दोस्तों यह हुआ कि जो राजकीय पॉलिटेक्निक, यानी आपके कॉलेज में अगर कोई गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है, तो उसमें भी आप संपर्क कर सकते हैं काउंसलिंग संबंधी अगर आपको कोई भी दिक्कत सामने आती है तो। और दूसरा चीज़, अगर आपके कॉलेज में कोई राजकीय महिला पॉलिटेक्निक भी है, तो उसमें भी आपका हेल्प डेस्क बनाया गया है। यानी कि प्रत्येक जिले में दो कॉलेजों पे आपका हेल्प डेस्क बनाया गया है, एक राजकीय पॉलिटेक्निक पे, एक राजकीय महिला पॉलिटेक्निक पे। आप दोनों पे संपर्क कर सकते हैं और दोनों पे संपर्क कर अगर अपने काउंसलिंग संबंधी कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है, तो आप वहाँ पर जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगा हो, अगर आपको आपके डाउट हो, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट में लिख दीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो जाइएगा और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ज्वाइन हो सकते हैं और आप हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके पूरे जो भी आपके प्रश्न रहेंगे उसके उत्तर रिप्लाई जरूर करेंगे, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।